जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 की सफला एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब किया जाएगा, किस चीज से किया जाएगा, व्रत महत्व नियमों के बारे में, इस दिन भगवान को क्या भोग लगाए, क्या करे ना करे, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल मात्र सफला एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है, तथा यह अनेक प्रकार के यज्ञों के फलों को प्रदान करने वाली है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से उतना संतुष्ट नहीं होते हैं जितना कि एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ माना गया है। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 की पहली एकादशी जो कि इस बार सफला एकादशी पर रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 6 जनवरी 2024 दिन शनिवार रात्रि 12:44 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को रात्रि 12:48 पे। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को सभी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रात्रि 12:00 द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी दसवीं दिन के नियमों का पालन जो कि 6 जनवरी को करेंगे, 7 जनवरी को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 8 जनवरी को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को पारण का समय सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारणम यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:23। राहु काल का जो समय होगा वह समय 7 जनवरी को शाम 4:03 से शाम 5:23 तक होगा और 8 जनवरी को सुबह 8:04 से सुबह 9:24 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 7 जनवरी को नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र रात्रि 10:08 तक होगा, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र
योग जो कि शूल योग अगले दिन सुबह 4:53 तक होगा, उसके बाद गंड योग। एकादशी के व्रत में जो कि दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीन दिनों तक व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दौरान जो कि तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मजरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। जो भी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले, उस दिन सात्विक आहार ग्रहण करे, रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और जो भी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं सफला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहें। एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का इस दिन जो कि जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं। बिना तुलसी दल के भगवान पूजन स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्प चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करें। सफला एकादशी के व्रत में जो कि ऋतु फल इस मौसम में होने वाले जो भी हो, भगवान को अवश्य ही उसका भोग लगाएं, अथवा आप चाहे तो नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लवंग आदि जो कि भगवान को अर्पित करें, विशेष करके नैवेद्य के रूप में दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाएं। और जब भी नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को अर्पित करनी चाहिए, या आप फलाहार भी ग्रहण करते हैं तो भगवान को भोग लगा करके उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। तो जहाँ तक हो सके, जो भी आपसे बन सके, भगवान को नैवेद्य आदि अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का भी साथ में पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल पुष्प अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्यादि अर्पित करें, जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इस प्रकार से इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और फिर सफला एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा अंत समय में भगवान की धाम की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान व्रती को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए, कि ओम नमो नारायणाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए, इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।